मेजबान इंग्लैंड ने लीड्स में खेले गए ऐसे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में अपने उम्मीदों को जिंदा रखा है। इंग्लैंड ने हाथ से जाते मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल करते हुए एक विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और पांच मैचों की सीरीज में एक एक से बराबरी कर ली। एक समय इंग्लैंड ने 286 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए थे और टीम अपने लक्ष्य से अभी भी दूर थी। ऐसे में बेन स्टोक ने जैक लीक के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए विजयी साझेदारी की। इस ऐतिहासिक जीत के साथ इंग्लैंड ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। बेन स्टोक और जैक लीक के बीच 10वें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी हुई, जो टेस्ट मैच की चौथी पारी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। इससे पहले 10वें विकेट के लिए इतने ही अधिक रन बनाने का उदाहरण 2019 में था, जब कुसेल परेरा और फर्नांडो के बीच 78 रन की साझेदारी हुई थी। इस साल फरवरी में डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका को जीत के लिए 304 रन की जरूरत थी और उन्होंने 226 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए थे। तब इस जोड़ी ने श्रीलंकाई टीम को जीत दिलाकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड ने अपना आज तक का सबसे बड़ा 259 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले सर्वाधिक 332 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड में हासिल किया था, जो 1928 में मेलबर्न में खेला गया था। वहीं ये किसी भी टीम का संयुक्त रूप से सर्वाधिक स्कोर रहा है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।